वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक जी। अभी आपने डेनिस फ्रीडमैन का इंटरव्यू सुना, उन्होंने बहुत सी अहम बातें ऐसी की हैं और बहुत से ऐसे अहम सवालात उठाए हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त BCCI और ICC, ये दोनों रोल चूँकि वो प्ले कर रहे हैं इस वक्त, तो वो दोनों मौजूद हैं। और उनके साथ मेरे साथ एक पाकिस्तानी स्पेक्टेटर, एक तमाशाई दिल जले, इस वक्त इंतहाई गुस्से में, बड़ी मुश्किल से उन्हें कंट्रोल किया हुआ है, उनको स्टूडियो में मेरे साथ वो मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं, कुछ सवाल रखते हैं। तो उनसे सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने अपना वक्त दिया ICC और BCCI। अब मुझे तो ये नहीं समझ आती आपको कहूँ क्या। धन्यवाद धन्यवाद। कहा है कहा, जो भी कह लें कहा है, उसमें कोई इतना बड़ा बात थोड़ी है भाई, जो बोलेंगे हम मान लेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इस वक्त की जो मॉडर्न डायनेमिक क्रिकेट है, आपको पाकिस्तान का कोई एक प्लेयर नज़र नहीं आया जो T20 टेस्ट क्रिकेट या कि इवन यार फीमेल क्रिकेट या हमारे ब्लाइंड क्रिकेटर भी इतने अच्छे हैं, आपको कोई बंदा नजर नहीं आया हमारी क्रिकेट में? आपका नाम का है सभी भाई, है ना नाम आपका। देखिए हम बतलाई दे रहे हैं आपको, ये मसला नहीं है का दिखा हमको का नहीं दिखा, ये बात तो पीछे छोड़ दीजिए, देखिए हमारा मसला नहीं कि हमको का दिखा, दुनिया ने का देखा, ये बोलने का पूछने का जरूरत है, दुनिया का देख रही है। अभी देखिए हमारा प्लेयर दुनिया भर में जा जाके स्कोर तो कट स्कोर मारता है, तुम्हारा प्लेयर जो है बराबरी में मुबतला हो जाता है, तुम्हारा मुल्क में क्रिकेट नहीं होता है, कितना अरसे से क्रिकेट नहीं हुआ, ऐसा मुका देख रहा हूं हमारी तरफ छठवीं मारनी है तेनु। ये सभी साहब मेरी बात सुने, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें मौका दिया अपने प्रोग्राम में कि हम बात करें। बात ये है सभी भाई, सबसे पहले तो मौला जो है वो आपको और आपके बच्चों को जो है वो सलामत रखे, आमीन, और आपकी जोड़ी भी जो है वो भी सलामत रहे। भाग तो माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि आपको लगे हुए। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो है खराब स्त्री के मुंह वाला, इसको क्या पता है क्रिकेट क्या है, और ये लोग तो क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं, पैसा सारा शामिल कर दिया, मुंह देखे इसका लाश होती है जैसे मेरे साथ आपने बिठा दी है, और इनको क्रिकेट का जनाब वाला अलफ से ये तक का नहीं पता, और ये जनाब क्रिकेट के वो बने हैं। अब आप इस वक्त का अगर मुकम्मल कर ले हैं अपना गुफ्तगु तो थोड़ा सा हम भी बोल दें का आपने स्त्री का नाम लिया, स्त्री का मतलब जानते हैं का इंडिया में क्या बोलते हैं स्त्री को? स्त्री को बेगम बोलते हैं, ये तो नहीं पता, दुनिया का नॉलेज है ना बात करने के लिए क्रिकेट पे। ओए काम बात कर, ओए मेरी मेरी बात सुनो, मुझे ओए मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हें हमारे खिलाड़ियों में कोई टैलेंट नहीं नजर आता? अरे होगा तो नजर आएगा ना, जो दिखता है जो नजर आता है, जो नहीं दिखता वो नजर नहीं आता है। चाह मैं तेरे मुंह पे रोड़ देनी है। एक मेरी अच्छा ये बताएं BCCI, अभी मुझे तो ये नहीं समझ आती अब ICC को रिप्रेजेंट करते हैं BCCI को, खैर अच्छा ये बताएं अवामी हलकों में इस वक्त एक सवाल गर्दिश में है कि जो ICC है वो BCCI की लौंडी है। ये चीज बिल्कुल पूछे जरा इसको। देखिए अभी क्या कहते हैं जलने वाले का मुंह काला, ये तो बहुत पुराना मुहावरा हो गया ना, दोबारा बोलने का जरूरत पड़ गया हमको। जी शाहरुख खान साहब की बात है। देखिए हम एक बात आपको बतला दे रहे हैं, ये बात तो सारे दुनिया जानता है कि हमारे पास मुंबई केस हुआ, हमने कुछ नहीं बोला, हमारे पास और कितना सारा टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है, देखा तुम्हारा बुक से आके लोग दरअंदाजी करता है। ये है इन लोगों की हकीकत, इन लोगों ने क्रिकेट में भी सभी साहब इन लोगों ने क्रिकेट में भी सियासत को डाल लिया। गलत, ठीक है अभी अभी ये देख ले, इसने अपने मुंह से बोला है, अभी बात क्रिकेट की हो रही है, वो सियासत को क्यों बीच में तुल लेते हो? एकदम गलत बोल रहे हैं, सियासत मैं तुम कह रहे हैं मेरे को बच के रहा, मैं छठवीं मारनी है क्रिकेट में, सियासत को नहीं कहा क्रिकेट में सियासत को डालने का बात बोलते हैं। अरे सियासत में क्रिकेट को डाले हैं हम, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे हम तुम्हारा मुल्क में घुस के हमला किए हैं, कश्मीर में दरअंदाजी हम करते हैं का? ससुर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अरे ससुर अरे सारी बातों को छोड़िए, बताइए सभी भाई ये जो बिग थ्री के पीछे जो लॉबी चलाते, लॉबी समझते हैं ना, लॉबी जो चलाते हैं ये खंटक टंबक तोक वाले, इनका पूछिए ना ये लॉबी क्यों चलाते हैं, अब लॉबी चलाएंगे हमारे खिलाफ हम चुप करके बैठे रहेंगे? सबसे पहले तो सभी भाई मुझे ये बताएंगे प्रोग्राम क्रिकेट पे आया कि सियासत पे आया? आप ये अच्छा ये मैं आपसे सवाल मेरा जो तयशुदा है वो जरा एक मिनट साइड पे, ये आप क्रिकेट में सियासत और ये मजहब और ये क्या मतलब क्या फजूलियात है ये? अरे सर जी का अभी देखिए
हर चीज में सियासत का बात होता है, पूरा मुल्क जो है सियासत पे चलता है, क्रिकेट मुल्क से बाहर है का, क्रिकेट सियासत की वजह से। देखिए अभी एक बात बताइए, अभी आपका मुल्क में जो सियासी भौंचाल आया हुआ है उसका शिकार कौन हो रहा है? क्रिकेट वाला हो रहा है ना, तवज्जो नहीं दे रहा आवाम के लिए खेलने का मौका नहीं। हमारे यहाँ कोई सियासी भौंचाल नहीं है, अपोजिशन थोड़ा बहुत शोर मचाती है, उन्हें मचाना चाहिए। कौन सा सियासी भौचाल तो आपके आए हुए हर वक्त, 122 से ज्यादा अलहदगी तंजीमें आपकी चल रही हैं, खालिस्तान आपके सर पे बैठा हुआ है और आप हमें कह रहे हैं यार क्रिकेट की बात करें, आप किधर जा रहे हैं? भाई साहब ये क्या बात कर रहे हैं? हम लोग को बोलने दीजिए ना, मेहमान हमारा स्टेटस देखिए, आईसीसी बीसीसीआई तुम कौन हो, कहा है तुम्हारा स्टेटस, कहा है? शायकीन ग्राउंड में बैठकर 25 रुपए का टिकट देके गंडेरी खाते हुए क्रिकेट का मैच देखते हो, इधर आके हमसे बात करोगे? ये बात कहा है? अरे बड़े लोग बैठे हैं टाई लगा के, उनसे बात कर रहे हो? यार मेरी बात सुने जी, मुझे अब ये बता दें कि ये प्रोग्राम क्रिकेट पे है, मुझे फिर अब आलू ला दे मैं वो छिल लेता हूँ जब आप दोनों ने सियासत की बात करनी है। काम तुमको ज्यादा जचेगा वही करो जो काम तुमको लो। सभी भाई, अच्छा एक मिनट सभी भाई, मैं आपको बता दूं मेरे हाथों से बंदा जाया हो। नहीं, एक मिनट कंट्रोल करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी आपको क्या दुख हुआ है, आपको मतलब क्या फीलिंग्स गए हैं आपकी, आपको क्या मसला गया? यार सभी भाई आप मुझे ये बताएं, वो पाकिस्तान का एक प्लेयर भी, वो ये जो बाबर आजम है, हाय 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 हैरो उसकी जरा चेक करें कैसी एक लेवल है, कोई उसको नहीं डाला। ओए मेरा तो खून जल रहा है, मेरे तो दिल करता है इसकी मैं दाड़े से एक का लेवल है बाबर आजम का, क्या बात कर रहे हैं? इधर नहीं है, अभी छोकरिया पीछे लग गया उसका, क्या लेवल है, क्या लेवल है? अभी हम हमारा मुंह खुलवाएंगे आप? इनको तो नहीं, वो तो आपके भी विराट कोहली को एक कॉल आई टीम को छोड़ के ऐसे भागे, वो अनुष्का शर्मा साहिबा की कॉल आई, फेंका सब कुछ टीम गई, वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि डेव वार्नर नहीं खेल रहा। तो वो हमारा कोहली का बात करते हैं, हमारा कोहली का बच्चा हो रहा है, तुम्हारा बच्चा है कोई? मुझे ये अरे बच्चा है, तुम्हारा सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। अरे इसमें बच्चे का क्या तल्लक है? अरे विराट कोहली का बच्चा हो रहा है, गधे का बच्चे का बात नहीं कर रहे हैं, विराट कोहली का बच्चा हो रहा है, अपना बच्चे को डिलीवरी दिलवाने के लिए उधर गए हैं, इधर ग्राउंड में डिलीवरी करेगा या उधर बच्चे का डिलीवरी करवाएगा, कौन सा ज्यादा बेहतर काम है बतलाइए हमको? हाँ बताइए उनको कौन सा बेहतर काम। अच्छा छोड़े मुझे ये बताइए, एक मिनट मुझे सवाल सुन लें पहले, आप लोगों का सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, आप किस मियार क्या है? ये चीज बतलाते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो खिलाड़ी है वो बिग थ्री का हिस्सा है कि नहीं है, सीधी सी बात है भाई, इसमें कोई हम दो बात तो नहीं कर रहे ना। देखिए इतना बड़ा हमने बिग थ्री बनाया है तो हम बाहर से लेने का क्या जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा हम उसमें से ठूस देते हैं प्लेयरों को, उसके बाद जो बचता है इधर उधर दे देते हैं, अब इनको क्या देंगे हम? हमारा अफगानिस्तान से हमारा दोस्ती है, ये मुझे ये बताया, एक मैं बात कर लू, बात कीजिए ससुर के नाम, इसीलिए मेरी बात सुनो, ससुर का बात करते हैं, अभी हमको ससुर पे एक बात याद आया, और यार चिंता ना डालो तुम चाय में, मेरी बात सुने, आस्था बात का मेरी बात सुने यार, एक तो ये बोलता बहुत ऊंचा है, यही वजह है कि ये किसी की सुनते ही नहीं, और ये बिग, पहले मुझे ये बताइए बिग थ्री का क्या कॉन्सेप्ट है क्रिकेट में, ये बिग थ्री यानी कि बिग थ्री या बाकी सब छोटे हैं? पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड क्लास टीम हुई है, ठीक है, इधर वो नस्वार के मुंह वाला अफगानिस्तान वाला डाल लिया, ठीक है ना जी, वो हमें नहीं डाला इन्होंने, ठीक है, हमारा कोई क्रिकेटर बूम बूम अफरीदी हैरो, ठीक है जी, ऐसे ऐसे क्रिकेटर उमर गुल, मैं कहता हूं शहजादा बॉलर हुआ जी, कैसी कैसी बाल कराई है, ये गुगली के मुंह वाला जो है इसको एहसास ही नहीं है। आप देखें प्रोग्राम क्रिकेट का, उसने शुरुआत ही सियासत से की है, ये पूरी आवाम इस प्रोग्राम में सुन ले कि ये इन लोगों की टोटल औकात है, तेरी डेट ऑफ बर्थ पे लाने का, एकदम गलत बोला है, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। देखिए अफरीदी का बात करते हैं, अफरीदी हमको भी बहुत पसंद है, क्या बोलेंगे अभी, हमको भी बहुत पसंद है, उसका सिर्फ एक बयान जो आया ना कश्मीर पे, वो उसको अलग कर दिया, हमारा कसूर है? उसका मुंह पर टेप नहीं लगा सकते हैं का? उसको पता नहीं है कि हमरे खिलाफ बात करके हम यार उधर 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 ना गाल का मेरे ना गाल का होता है। अच्छा नहीं, आपने शाहिद अफरीदी को उनके कश्मीर के बयान की
वजह से इसमें नहीं डाला। टंबकतो का बयान का बात करेंगे, कश्मीर के बारे में बात कर रहा, हमारा अंदरूनी मामला है कश्मीर का, उसको का जरूरत पड़ी चुल पड़ी चिल्ली लगाया उसका का कहीं मतलब। तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप आईपीएल में जो आपकी टीम मौजूद है ये सारे मेडल उनको दे दिया करें, ये आईसीसी के ड्रामे बंद करें। कोशिश कर रहे हैं ना, एक दिन में थोड़ी रोम बन गया था, रोम जो बना काफी टाइम लगा ना, अभी उसी तरफ चल रहे हैं हम लोग, चलेगा कहा आपका दो चाहिए भाई भगवान ने दिया से सब कुछ ऐसे ही होगा। केडी आईसीसी है, मैंने ये दसो ये बोल क्या रहा है, इसको पता ही बोल क्या रहा है नहीं, ये पहले तो ये इनको खुद नहीं पता कि आप आईसीसी से हैं भाई कि आप बीसीसीआई से हैं। बात तो एक ही था, आप कान यूं पकड़ेंगे कि यूं पकड़ेंगे, मसला तो कान पकड़ने का है ना। खुलिया इनका शक्ल मतलब आपकी जो जाहिरी अपीयरेंस है वो तो आपकी बिल्कुल बीसीसीआई वाली है, आईसीसी के तो वैसे भी वो गोरे ना सभी भाई, ऐसा ही है वही तो बोल रहे हैं गोरे, आईसीसी में कौन सा गोरा मुखगे फोन ए ने एक गुजरात से आए हैं सारी आईसीसी गुजरात, ओए मैं कहना इन्हां नु चुके मौला, थोड़ा पानी वाले लाके दीजिए इनको भाई, थोड़ा पानी लाकर दीजिए, नहीं नहीं पानी ना लाइएगा वो ठंडे हो जाएंगे बिल्कुल। अच्छा अच्छा मुझे ये बताए कि आपने राशिद खान का सिलेक्शन कैसे कर लिया? अरे का बतलाएं, हमारा बहुत ही जबरदस्त फ्रेंडशिप है अफगानिस्तान के साथ, अभी देखिए पाकिस्तान इनका खिलाफ ऐसा बिजली इनका इनका चिल्ली लगेगा अभी इनका देखिए। एक मिनट, फ्रेंडशिप है तो आप उन्हें बॉलीवुड में हीरो बना लेना, ये क्रिकेट में हमने क्या ड्रामा लगाया हुआ? हमारा क्रिकेट का जो खिलाड़ी है वो एंड अप उधर ही होते हैं, ऊपर मसला नहीं, धोनी ने भी फिल्म का ऑफर हुआ है धोनी को भी, अभी राशिद खान को भी देंगे। देखिए बॉलीवुड नेक्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप है उसको दुनिया में मशहूर करने का, कर दिया जलने वाले जला करे, अल्लाह की दुआ रब की दुआ यही तो होता है, तुम लोग यही तो बोलते हो, रक्से के पीछे तुम्हारा कहा लिखा होता है बताइए। सभी भाई आप मुझे एक बात बताएं, आपने कभी मजदूर की कांडी देखी है जिसे वो मट्टी खाता? जी उसके ऊपर हाथी बनी होती है, उस हाथी के अंदर जो किल लगा होता है ना, उस किल जैसा इसका मुंह है। मुझे आप एक बात बताएं यार, इस बंदे का कोई क्राइटेरिया है? इससे पता चलता है आईसीआईसी और उन्होंने सीटियां निकाल दी हैं इसकी, मैं कहता हूं ये कोई ये देखें बंदा बात क्या कर रहा है, सियासत अफगानिस्तान से खिलाड़ी, ओए बांग्लादेश से खिलाड़ी रख लिया यार, अच्छा है ना, अच्छा खेलते आएंगे का उसमें। अभी बात कर रहे हैं कील का बात कर रहे हैं, हमरा मुकील जैसा है ना बोले, वो कील को जो हथौड़ा लगता है ना वो हथौड़ा इनका मुंह है। अच्छा पर्सनल ये हथौड़ा जब पड़ा ना तेरे सर पे और पड़ भी रहा है, अफगानिस्तान से तुम लोगों को लात मार के बाहर निकाला, ईरान से तुम लोगों को लात मार के बाहर निकाला, तूने शुरू किया मैंने नहीं शुरू किया, हम बोल रहे हैं सियासत में क्रिकेट में सियासत है, मान लीजिए तुमने शुरू किया मैंने नहीं किया, हमरा अच्छा मुंबई में हमने किया, कश्मीर में दरअंदाजी पाकिस्तान में अटैक कौन करता है? तुम करते हो, पाकिस्तान में क्रिकेटर्स पे अटैक किसने किया? हमने किया, हमारा जहाज गिरा के हमारा पायलट को चाय तुमने पिलाया? अच्छा एक अभिनंदन को गिरफ्तार यार इनको रोको यार। अच्छा एक मिनट बात तो सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, इस तरह शो नहीं चलेगा, आप लड़े ना, देखे बड़ा मुश्किल होता है, ये बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तानी और अब तो पता नहीं बीसीसीआई आईसीसी जो भी है, इंडियन मिला के इकट्ठे बिठा देना, बड़ा मैंने रिस्क लिया है, बार देखें शर्मिंदा ना करें, लोग आपको देख रहे हैं, लाखों लोग आपको हो सकता है देखें। माजरत चाहते हैं भाई, अगर कोई बात हमारा गलत बात लग गया तो माफी। देखिए वो ये अटैक ये जो चीजें वो फिर वो भी आप इल्जाम लगाएंगे ना, बलूचिस्तान का लगाएंगे, समझौता एक्सप्रेस का लगा देंगे, जो हमारे श्रीलंका की टीम पे हमला उस पर भी आप ही शामिल थे, ये सारे ये कह देंगे वो, मैं तो नहीं कह रहा। अच्छा बहरहाल ये बताइए, सियासी डिप्लोमेसी और इन चीजों को सियासत को बाहर रख के एक जेंटलमैन गेम थी क्रिकेट, चॉकलेटी गेम जी, चॉकलेट क्या बात है, तो गेम हुई है जी। हम एक मासूमाना सवाल करेंगे इनसे, आपसे कर लेते हैं तो वैसे तब नहीं, आप जवाब देना इसका, तो उसी जवाब में ही सवाल पैदा होता है ना, जो चीज पैदा होती है उसको बाहर निकालना चाहिए, अंदर रहेगी तो सड़ जाएगा ना अंदर, इन जैसी चर्च बन जाएगी। हम बात कर रहे हैं कि जो आपने अभी सवाल किया कि दोबारा से दोहरा दीजिएगा, सियासी डिप्लोमेसी और इन चीजों को अलग करें, हाँ उसी का बात कर रहे हैं अभी। देखिए जो बात ऐसा है कि जो सियासत जो है ना क्रिकेट में आ गया है, हम नहीं लेके आए हैं, पाकिस्तान का जो प्लेयर है, अब देखिए सबसे बड़ा ब्राइबरी स्कैंडल जो हुआ कहां से। एक मिनट मैं आपको यहां रोकूंगा, आपने जो भी मेडल दिए हैं महेंद्र सिंह धोनी पे 2013 में आईपीएल फिक्सिंग का एनवेलप सीलिंग, वो एक स्कैंडल पड़ा हुआ, महेंद्र सिंह धोनी आपके जो प्लेयर हैं वो पहन के आ गया ग्लव्स
पाकिस्तान के मैच में अपनी आर्मी का, उसके बाद आप देखें कि महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर सबसे ज़्यादा टीम को ख़राब करने का, वर्ल्ड कप का मैच हारने का इल्ज़ाम लगा, आपने उसे दे दिया इनाम दे दिया कि डिसेंसी ऑफ क्रिकेटर है। अच्छा दूसरा देखें, स्टीव स्मिथ बॉल टेम्परिंग का चार्जेस लगे, इसको ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे नहीं दे रहा कप्तानी, आपने मेडल दे दिया, कुछ और देना था वो भी दे दीजिएगा। उसने ठीक बोला था इनको, अच्छा एक ठीक बोला था, अच्छा नहीं हम ऐसी बातें नहीं करने, नहीं नहीं उन लोगों को, अच्छा नहीं ये काट दीजिएगा, ये नहीं यार, ये अच्छा हम ये बतला रहे हैं। देखिए सभी भाई, आपका इतना अच्छा खूबसूरत नाम है, इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं आप, इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं, आज अपने ऐसे कबाड़िये को बुला लिया है प्रोग्राम में, क्या कर सकते हैं। अभी बात कहने का ये है कि आपने धोनी का बात किया, ठीक है, गलती होता है इंसान से, गलती हुआ उससे, अच्छा खिलाड़ी है, आगे बढ़ता रहा अपना, आप गलती करें तो गलती हम करती करें, जुर्म फायदा क्या है, तो हम जुर्म करें तो विक्ट्री का फायदा क्या, विक्ट्री में आके सब वॉश, जैसे तुम्हारा नहीं है अपना सियासत में सैयद कमाल वॉशिंग मशीन लेके आया ना, सुनो हो के साफ हो गया सभी भाई, वैसा हमारा सभी भाई मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड से भी ये गलती होगी, क्या उन्होंने वेल्डर को भर्ती कर लिया, ऐनक चेक करें, ये वेल्डिंग वाली ऐनक पहन के प्रोग्राम में बैठ गया है, को बात करने, हमारी क्रिकेट देख देख के नजर वीक हो गई है सभी भाई, और क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया किसने, तो इन लोग यार आप गजनी है, आपको पता, मैं कहता हो गया, मैं दसन नहीं कि भाई जी इसकी इन लोगों की वजह से क्रिकेट का बेड़ा, क्रिकेट तो बड़ी सोनी गेम थी जी, आय हाय हाय है रो, मैं कहता हूँ मक्खन मलाई गेम, आपको वैसे हुलिया भी लगता है ऐसे, आपको टेस्ट के पुराने, मैं कहता हूँ देखे ना देखे इनका होलिया, इनका होलिया ऐसा लगता है कि 10 रोजा टेस्ट मैच खेलते रहे धूप में खड़े होकर, ऐसा लगता है इनका होलिया। अभी बात करेंगे, अच्छा नहीं वैसे व्हाइट मैन आप भी नहीं है, आप भी जो बीसीसीआई और आईसीसी के हैं, बोले अभी हम ऐसा बस ऐसे चॉकलेटी कलर है ना, चॉकलेटी गेम का बेड़ा गर्क कर दिया, तो चिकलो के काला हो जाता है। आपने अच्छा आप लोगों ने पहले वेस्ट इंडीज का बेड़ा गर्क किया, आपने उनकी क्रिकेट तबाह की, उनके हालात आपने क्या कर दिए, कहाँ टीम थी वो काली आंधी, लोग डरते थे भागते थे, आपने उनका क्या हाल कर दिया, वही चीज हमारे साथ कर रहे हैं, वही काम पाकिस्तान के साथ आप कर रहे हैं, ताकि आप मिर्जा अकेला रह जाए गलियों में, रंजा फिरता रहे, ऐसे हम होने नहीं देंगे, क्यों नहीं, बिल्कुल जी लैदास, क्या सोनी बात की आपने पूरे प्रोग्राम के बाद, एकदम इल्जाम है, गलत इल्जाम है, हम बिल्कुल इसको डिनाई करते हैं इस खबर का, ये जो होता है ना पाकिस्तानी सियासत सहाफत सब इतना जरद है, जरद सियासत और जरद सहाफत ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, हमारा मानो थोड़ा हमारा सहाफत से सीख लो, इंडिया का सहाफी देखे हैं कैसा, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल ईमानदारी से, यार क्या ईमानदारी से, अभी वो आपका सबसे बड़ा सहाफी वो अंदर हुआ पकड़ा हुआ करप्शन के चार्जेस में, आप लोगों ने मछली बाजार बनाया होता है, कोई डिसेंट बंदा बात वहां नहीं कर सकता, कोई बंदा आपका जो मेहमान कैसे, तभी तो पकड़े गए हैं, जो गलत काम करता है उसको पकड़ लेते हैं, आपका देखिए क्या नाम है हामिद मीर और जितना भी लोग हैं सब बाहर, फिर सियासत फिर, अच्छा 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 जो देखिए फाफा सहाफी आप खुद बोलते हैं, नहीं नहीं हम जो मर्जी बोले वो हमारा अपना मसला है, आप नहीं बोल सकते, बाहर फिर रहे हैं हम बोलते हैं, पकड़ के अंदर कर, ओए बेवा दी सिलाई मशीन वर्गा तेरा मुंह, तू की शै की हो, सभी भाई आपने आज क्या बिठा दिया, मैंने तो बीसीसी और आईसीसी बीसीसी के रिप्रेजेंटेटिव समझ के आपको बुलाया। अच्छा मुझे ये बताएं सबसे पहले कि जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि आपको अकलियतों का भी ख्याल रखना होता है, आपकी टीम में कितने सेकुलर मुल्क आप अपने आप को कहते हैं, कितने आपकी टीम में अकलियत खिलाड़ी खेलते हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं, कितने सिख हैं आपकी टीम में, आबादी देखें उनकी तरह, अभी देखिए सिराज, सिराज आपका मजहब का है, मुसलमान है सिराज, अभी खेल रहा ऑस्ट्रेलिया में, देखिए ये हमारा इंडिया है, 200 मिलियन के लोगों में एक बंदा, इंडिया आई लव माय इंडिया, अभी तपे हो ना जले हो ना मिर्ची लग रही है ना पूरी कुर्सी लाल हो गई इनकी, तो यार की कर दे बे, मैं तो दसा उठू दम रासी है और गल कोई नहीं, उन्हें भर्ती कर ले बनासी बेचते हो, मैं तो दसा अभी दे, और मिसालें दें, सैयद किरमानी कौन थे, पर यार वो तो पुराने थे ना, कौन थे बतलाइए, बोलिए अजहरुद्दीन कौन थे, एक सेकंड मैं आपको बता, इस बात का मैं सरदार और बात कर रहे हैं, और यार सुन तो लो, दुनिया का सबसे बड़ा सभी भाई, आप मुझे ये बता दे कि हम तो ये कह ही नहीं रहे कि इंडिया के खिलाड़ी अच्छे नहीं है, भाई बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं भाई, टॉप के खिलाड़ी, इसमें कोई शक नहीं और कोई दूसरी राय नहीं है, मेरा मकसद यह है कहने का कि बराबरी भी आखिर किसी चीज का नाम है, वो बराबरी में चलो, हम कब तुम्हारे खिलाड़ियों को कह रहे हैं कि वो बुरे हैं,
और वो भी अच्छे हैं, हमारे खिलाड़ी भी अच्छे हैं, हमें एटलीस्ट दुनिया। और दूसरी बात ये है कि हमें मनवाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ आपको वो निशानदेही कर रहे हैं जो आपने गलती की है। हमारे खिलाड़ी कोई इस काबिल नहीं है कि मिनते करके आपके पीछे पीछे चलेंगे, नहीं, हम अपना आप मनवाएंगे और मनवाते आ रहे हैं। वी आर द चैंपियंस बड़ी, वी आर द चैंपियंस। आप यकीन माने इस कहां के चैंपियन बता दीजिए, पूरे क्रैगीबन में इसने मशहूर किया हुआ है कि मैं जो वो मोदी का मोदी मेरा सका मामू है, इसने मशहूर किया। अब आप वो अंदाजा कर लें इस बंदे की नहीं है। तो बतलाइए थोड़ा भी, थोड़ी देर आपका जबान टिप ऑफ द टंग, स्लिप ऑफ द टंग था। हाँ, ये बतलाइए चैंपियन कहां? नहीं, वर्ल्ड कप जीते हैं, चैंपियन ट्रॉफी जीते हुए हैं, टेस्ट चैंपियन। कब तक बानवे का वर्ल्ड कप का जिक्र करते रहेंगे? ताजा तरीन आपका बानवे का प्रोग्राम आज चला के आवाम को दिखा सकते हैं का? आप क्यों नया नया प्रोग्राम करते हैं? अभी हॉट टॉपिक है, इसको क्यों लेके आ रहे हैं आप? बानवे का टॉपिक चला दीजिए, वही गेम चलता रहता है। बानवे का वर्ल्ड कप जीत गए हैं, इमरान खान ने जीत लिया है वर्ल्ड कप, उसके बाद वसीम अकरम ने अच्छा कारनामा अंजाम दिया, वही पे चल रहे हैं। नहीं नहीं, उनकी बातों का जवाब भी तो दे ना। नहीं सर, मैं जवाब होगा तो सर जवाब से बात और सर इनके इनकी बातों का जवाब क्या दे? वो ये को बातें वर्ल्ड कप बानवे के बाद 8 और 20 28 साल होते हैं, 28 साल में का किया बतलाइए? और बाकी टीमों ने क्या? मैं यही तो आपको बताने का बात करते हैं, दो दफा वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, उसके बाद तसल्ली रखी है, अभी तो बहुत सारा तारीख का आपको बताएंगे। बंदा मुझे तो इस बंदे की समझ नहीं आई, हम कब कह रहे हैं कि इंडिया बुरी टीम है? हम क्रिकेट को देखने वाले और पहचानने वाले। अच्छा, आप चाहते क्या हैं कि आप सिर्फ एक आप आईपीएल आपके खिलाड़ी आप खेलें, बाकी तीन जो आपके बड़े आपने बना लिए इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, उन्हें तो जबरदस्ती धक्के से आपने शामिल किया हुआ है, असल तो आप ही खुद ही चला रहे हैं क्योंकि आपके पास आज चार पैसे आ गए। पावर, पावर पावर नहीं है, चार पैसे आ गए, वरना यही हाल आपका होता था। आपको डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कोई टेस्ट का क्रिकेट का दर्जा तक नहीं दिया करता था एक वक्त में, तो अभी आप क्या चाहते क्या है कि बाकी सारी टीमों को निकाल दें? वो बुरा वक्त था ना, अच्छा वक्त आ गया हमारा, जिनका भी अच्छा वक्त होता है वो राज करता है। और मेरी बात सुनो, राजनीति का मकसद क्या? मेरी बात राजनीति तो क्रिकेट राजनीति क्रिकेट यही तो है का, यही तो बतला रहा था। मेरी बात सुने, मेरी हमारा टांग को छूने का यार, यही बात मुझे बतानी है। अंडर द टेबल मैं कर रहे हैं, मेरी बात सुन ले तू, मेरा मेरा दिमाग खराब ना कर तू, मैं तुझे बता रहा हूँ, इस बात को इधर ही खत्म कर दे और सियासत की बात सियासत तक रहने दे और क्रिकेट की बात क्रिकेट है। यही वजह कि तुम लोगों ने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए, एक हम बहुत ही अच्छा मुफीद मशवरा देना चाहते हैं आपको, अगर बुरा ना लगे किसी को, आपका प्रोग्राम जो देख रहे हैं उनको भी एक मशवरा देना चाहते हैं। देखिए, हमारे साथ सियासी माहौल अच्छा कर लेंगे, क्रिकेट का माहौल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, सीधा सा बात है। ये जो सियासी तनाव है ना, इस तनाव का मलिया में फना फिल्ला करना पड़ेगा, इस सियासत का तनाव फना फिल्ला हो जाएगा, क्रिकेट का बल्ला हावी हो जाएगा, सीधा सा बात है। आज तेरा अच्छा टाइम है और ये हमेशा नहीं रहेगा, ये मैं तुझे बता रहा हूं। जिस वक्त हमारा अच्छा टाइम आएगा तो फिर उस वक्त हम तुझे लोहे के चने चबाएंगे। आएगा, कब आएगा? यार ये ड्रामेबाज है, मैं आपको बता रहा हूँ। कहाँ बात कर रहे हैं? ये फिजूल आदमी को आपने बुला लिया आज, बस। अच्छा, और बात कोई नहीं। नहीं, मैं ये तू मेरी मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दे, तूने ये अपनी हरकतें छोड़नी है कि नहीं? ठीक है ना, ये इस तरह के फिजूल, पाकिस्तान का जो है ना, पाकिस्तान जो है वो जिंदा मुल्क है और कौम जिंदा है, इसको ये ना समझ कौम सुई हुई है। मानते हैं पाकिस्तानी आवाम का हम भी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन अभी मसला कुछ थोड़ा सा गंभीर हो चुका, उसको समझने मैं तो बात नहीं करूंगा जी इसे, ये फजूल आदमी है जी, यकीन माने इसे बात करने का फायदा कोई नहीं। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, आपने बीसीसी और आईसीसी जो कि दोनों एक ही सिक्के के दो रुख, उनकी बातें भी सुनी। पाकिस्तानी स्पेक्टेटर इस वक्त बहुत गुस्से में है, कुछ गम में भी है, ऑफ कोर्स अफसोस होता है कि अपनी टीम के इतने खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस एक 10 साल पे किसी को कश्मीर के बयान की वजह से या किसी को सिर्फ इस वजह से कि वो पाकिस्तान से है, उनके टैलेंट को अवार्ड ना देना, उनको वो मेडल ना देना जिसके वो मुस्तहिक हों, जबकि दुनिया सारी के आंकड़े बोलते हैं। यहाँ पर बीसीसी और आईसीसी बोल रहे हैं, लेकिन कब तक? इनका वक्त भी एक दिन हर अरूज को जवाल और हर जवाल को अरूज है, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं, पाकिस्तान की टीम दोबारा अपना नाम इंशाल्लाह अपने दोबारा वही तारीख दोहराएगी जिसका ये बार बार जिक्र कर रहे हैं। प्रोग्राम में मेहमानों के साथ टीम सभी काजमी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।